हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बैंक ऑफ इंडिया का स्टार टोकन कैसे रिसेट करें। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको आपके स्टार टोकन का सिक्योरिटी क्वेश्चन याद होना चाहिए और उसका आंसर भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले उसे सेट कीजिए और इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। जैसा कि मैंने स्टार टोकन अप्लीकेशन ओपन की और उसमें मैं 3 बार गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये सेकेंड अटैम्प्ट था एंड लास्ट अटैम्प्ट भी मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं एप्लीकेशन को फिर से ओपन करूँगा, अपना आईडी फिर से डालूँगा। दोस्तों, मैं अपना आईडी फिर से पुट कर रहा हूँ 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद में। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये मेरे से दो ऑप्शन पूछेगा, सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना एंड सबमिट। अब मेरे पास में एक SMS आएगा, हाँ, एंड मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। जो मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन था उसका मुझे आंसर देना है और मुझे SMS में जो कोड जो आया उसे उसका OTP यहाँ पे पुट करना है। ये मेरे पास SMS पे आ गया, इसका OTP है SQBFT, वो मुझे यहाँ इस जगह पुट करना है BFT। ये मैंने पुट किया और सबमिट किया, ये सक्सेस सक्सेस मैसेज आ गया मेरे पास में। ओह, मेरी ये टेस्ट हो गई, बट कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे सक्सेस हो चुका था। अगर नहीं सक्सेस होता तो मैं फिर से ट्राई करता, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा स्टार्टअप का रिसेट हुआ या नहीं हुआ। सबमिट पे क्लिक किया, ये मैसेज आ गया मेरे पास में, योर टोकन हैज़ बीन ऑन क्यू। अब मैं एक SMS का वेट कर रहा हूँ जो कि मुझे कंफर्मेशन दे देगा कि मेरा एक्स्ट्रा टोकन रिसेट हो चुका है। मैं SMS का वेट कर रहा हूँ, अभी तक SMS नहीं आया। ये SMS आ गया, बस इस SMS का कोई यूज़ नहीं है, बस ये कंफर्मेशन है कि आपका एक्स्ट्रा टोकन रिसेट हो चुका है। अब दोस्तों, आप किसी भी ब्राउज़र में फिर से बैंक ऑफ इंडिया का आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, जो कि स्टार टोकन के साथ में पॉसिबल नहीं था। अब मैं एज अ प्रूफ आपको लॉगिन करके भी बताऊंगा। ये मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया मैंने और यहाँ पर मैं बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाऊँगा और वहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू आपको लॉगिन करके बताऊँगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरा स्टार टोकन 2 मिनट में रिसेट हो चुका है। क्योंकि इस प्रोसेस के लिए आपको हफ्तों तक बैंक ऑफ इंडिया का इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको यकीनन हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस स्टार्ट कौन को रिसेट करने के लिए। ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया, अब मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूँगा एंड बस मैं आपको ये चेक करके बता रहा हूँ कि मेरा स्टार टोकन रिसेट हो चुका है, ये कंफर्म। ये देखिए दोस्तों, मैं लॉगिन किया। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक तो बनता ही है, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।